बाजपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम में होम्योपैथिक विभाग ने जागरूकता शिविर आयोजित किया, जहां होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर शिखा सम्मल ने विद्यालय के बच्चों को डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी से बचाव की जानकारी दी और होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया। बता दें कि होम्योपैथिक विभाग के उच्चाधिकारियों ने निर्देश पर बाजपुर के होम्योपैथिक चिकित्सालय की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिखा सम्मल ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। साथ ही उन्होंने बच्चों को होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया और उसके सेवन की विधि बताई। इसी दौरान उन्होंने बताया कि बच्चों को डेंगू और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया है। आज हम लोग यहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं के आदेशानुसार यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे माननीय जो हमारे डायरेक्टर हैं और साथ में हमारे जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जोशी जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय समाज में एक व्यापक रूप से डेंगू चिकनगुनिया का एक तरह से प्रचार प्रसार देखा जा रहा है, तो ये शासन द्वारा एक मुहिम है जिसके तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं। और हम आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजपुर एक में आए हुए हैं और इन छात्रों छात्राओं को हम लोग यहाँ पर एक जागरूकता अभियान के तहत जोड़ना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम इनको ना सिर्फ इस मच्छर के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो इसके प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदार है, बल्कि डेंगू से कैसे बचाव करें, उसमें घरेलू किस तरह से क्या उपाय किए जा सकते हैं, उस पर हम लोग इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और साथ में इन सारी छात्र छात्राओं को हम लोग होम्योपैथिक औषधि इपोटोरियम पर्फ और आर्सेनिक एल्बम इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में सभी लोगों को वितरित भी कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया है, लेकिन साथ में हम लोग निःशुल्क कैंप के तहत जो भी यहाँ पर इस क्षेत्र में आने वाले जो आम नागरिक है उनके लिए भी कैंप पूरे दिन चलेगा।